मी रोम 21.6.23। दोस्तों इसका रोम रिव्यू, डिटेल रोम रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका कार्ट में मिल जाएगा लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और फिलहाल इस वीडियो के अंदर में हम जो सो गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं, वो भी DNG कर्नल के साथ में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम जो सो DNG कर्नल को अभी फ्लैश किए हैं, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे कर्नल जो सो काफ़ी अच्छा है, जो कि मैंने यहाँ पे 60Hz वाला ही हमने डिस्प्ले पैनल किया था सेलेक्ट। बेसिकली जो सो कर्नल हम फ्लैश करते तो काफ़ी सारे चीज़ें ऑप्शन वहाँ पे पूछा जाता है, जो कि मैंने वहाँ पे जितनी भी चीज़ें, कलर मैंने सिंपल वाला सेलेक्ट किया था, थर्मल जो है सो बैलेंस थर्मल मैंने सेलेक्ट किया था, और जो चीज़ें हैं मैंने 60fps 60 फ्रेम रेट जो 60Hz जो जनरल हमारा रहता है उस तरीके से किया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ दोस्तों, फ़ोन ऑन करते ही मेरे को काफ़ी स्मूथनेस लग रहा है। यहाँ पे टच रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है, बेसिकली जो पहले था उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है। तो अगर मी रोम के अंदर में आप अगर DNG कर्नल यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा है। एंड अभी जो हम यहाँ पे गेम टेस्ट करने वाले हैं, जी दोस्तों ये रोम जो है गेमिंग के ऊपर में ये वीडियो है, तो अभी हम गेम टेस्ट करने वाले हैं पबजी मोबाइल, जो कि पिछला वाला जो हमारा वीडियो था, जो मी रोम का स्टॉक कर्नल के ऊपर में हमने जो वीडियो बनाया था गेमिंग के ऊपर में, तो दोस्तों हमारा गेम थोड़ा बहुत लैग कर रहा था, और अभी जो थोड़ा सा लाइट गया हुआ है, तो यहाँ पर लाइट इशू है, सो काइंड ऑफ इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना अभी फ़िलहाल के लिए। और वैसे हम जो अभी गेमिंग करने वाले हैं, तो देखते हैं इसके अंदर में हमें जो लैग वगैरह मिलता है कि नहीं, एंड किस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स रहता है गेमिंग के अंदर। ओके Search for vehicles. Form up on me. Thank you.
बहुत हो गया, स्मूथ हो गया ना, बस यही पता लगाना था। वहीं पर है, ऊपर से ही मार सबको। बंदा ऊपर है ऑलरेडी एक, बहुत तंग किया था इसने। चल मिल गई ना मेरे को। पीछे ओके तो दोस्तों ये था हमारा गेम प्ले, काफ़ी अच्छा गेम प्ले है। और अगर मैं सही बताऊँ तो मी रोम के साथ में डीएनजी कर्नल अगर आप यूज़ करते तो आपको बहुत ही स्मूथ गेम प्ले मिलेगा, और वो भी टेम्परेचर कंट्रोल में। यहाँ पे मैंने जैसे थर्मल यूज़ किया था वो है हमारा बैलेंस थर्मल मोड, मैंने कोई अलग से थर्मल यूज़ नहीं किया, बैलेंस थर्मल मोड यूज़ किया था। और 60 जो हमारा हर्ज है रिफ्रेश रेट, वो हमने पैनल का यूज़ किया था। और बेसिकली यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की मैं अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो हमारा टेम्परेचर भी अभी आप देख सकते हैं 45.3 डिग्री है, बेसिकली ओके है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पिछले वाले रूम के अंदर में हमारे काफ़ी लंबा खासा काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था, तो उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा टेम्परेचर मुझे लग रहा है एज कम्पेयर टू। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड जरूर करता हूँ, अगर आप गेमिंग के पर्पज से देख रहे हैं अगर मी रोम को, तो जरूर से आप एक बार जो है सो डीएनजी कर्नल को ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा गेम प्ले मिलने वाला है।